ठीक है, जस्ट कर, मैं इसमें शिवखेड़ा जी को 30 सेकंड के लिए ला रहा हूं, फॉर अ मिनट सिरसा साहब आ रहा हूं, प्लीज जस्ट गिव मी 45 सेकंड्स, क्योंकि उन्होंने सिख कौम के बारे में बात की कि हम अलग है, हम सबसे अलग है, इसलिए हम देश अलग हमारा होना चाहिए। मैं शिवखेड़ा जी को लाना चाहता हूं। शिवखेड़ा जी, आपका इस पे क्या व्यू पॉइंट है? खेड़ा साहब, कि ये सबसे सबसे आदमी को भटकाने वाली बात है, सिख से बड़ा हिंदू कोई नहीं है। मेरी परिवार, मेरी बेटी के अनंत कारज हुए, मेरी आधी फैमिली आधी आज भी पग रखती है और केस रखती है और आधी नहीं रखती है, तो हम क्या हो गए, कहाँ बन गए? और गुरु गुरु गोविंद सिंह साहब पटना में पैदा हो गए, वो क्या बिहारी बन गए या पूरे हिंदुस्तानी बन गए? तो इन लोगों को समझना चाहिए कि दिस इज वन कंट्री, एक कंट्री है, और सिख से बड़ा हिंदू कोई हो ही नहीं सकता। गुरु तेग बहादुर ने कुर्बानियां किसके लिए की? जनेऊ के लिए की, सबके लिए, इसीलिए की। और बात यह है कि परिवारों में आज मोने उसको ये सिख और हिंदू लफ्ज कभी किसी ने इस्तेमाल भी नहीं किया था आज तक जिंदगी में। वो हमेशा कहते थे वो मोना है और सिख है, सहजधारी है और केसधारी है, ये लफ्ज कहते थे वो। और आज मैंने आज अखबार में पढ़ रहा था कि हिंदुओं को कहा गया कि आप कनाडा से छोड़ के चले जाओ, तो इसका मतलब जितने सरदार हैं वहां से सब निकल जाए, वो तो बहिष्कार हो गया उनका। और इंटरेस्टिंगली जिसकी आप बात कर रहे हो, जिसका जो मर्डर वगैरह की बात कर रहे हो, वो यहाँ पर जो जब इंडिया से गया था वो फेक पासपोर्ट पे गया था, उसका नाम था रवि शर्मा। वो कब बन गया हरदीप सिंह, कब निजर, कब बन गया, कब बन गया उसको, कब उसको कैनेडियन गवर्नमेंट ने कैसे सिटीजन दे दी, उसके ऊपर कोई, उसके ऊपर कोई इन्होंने कार्रवाई नहीं करी जो इलीगल तरीके से घुसा वहां पर। और आप बात करते हो कि टेररिस्ट वगैरह, याद रखिएगा टेररिस्ट का कोई ह्यूमन राइट नहीं होता, याद रखिए। आपका राइट है, मेरा राइट है, ह्यूमन राइट है, टेररिस्ट का कोई ह्यूमन राइट नहीं होता। तो अगर ये टेररिज्म ही करना है उन्होंने, तो इसका मतलब ये है, देन वी हैव टू होल्ड। जसकरण जी, आप मेरे को खेड़ा साहब का जवाब दीजिए, जो आपने सिख कौम के बारे में बात की। सिरसा साहब आ रहा हूं, एग्जैक्टली 2 मिनट्स, एग्जैक्टली 120 सेकंड में आ रहा हूं। सिरसा साहब, तूर साहब आ रहा हूं, मेजर साहब, ये अपने, ये अपने भाई साहब कह रहे हैं हिंदू सिख का तो मामला है ही नहीं, हिंदू सिख की तो हम बात ही नहीं करते। हमने क्या ये गोधरा कांड किया, क्यों किया? और मणिपुर में एक बीबी को इज्जत को क्यों लूटा गया? और कश्मीर के जमहूरियत के दो टुकड़े क्यों किए गए? और पंजाब में सिखों को इंसाफ क्यों नहीं दिया गया? और ये कहते हैं कि निजर साहब शर्मा थे, शर्मा का पासपोर्ट दिखाओ, वो यहाँ से 1997 में गए थे, प्लम्बर में गए थे, इसलिए उसने कोई ऐसी बात तो की नहीं जिसने किसी हिंदू को मारा कहा हो, किसी मुसलमान को कहा हो, उन्हें तो किसी को कहा नहीं। हालांकि ये तो ट्रूडो साहब ने कहा, ठीक है जसकरण सिंह जी, इंटेलिजेंस को मार दिया है। जसकरण सिंह जी, ट्रूडो साहब का जवाब मोदी साहब ने नहीं, ना आप दे सकते हो ना मैं दे सकता हूँ। जसकरण सिंह जी, मैं आपकी दरबार साहब वाली बात पूरी मानता, लेकिन खालिस्तान की मांग सही नहीं।